सारिआं नूं प्यार भरी सति श्री अकाल जी। मनराज सिद्धू ब्लॉग विच तुहाडा स्वागत है। मैं आशा करदी हाँ तुसीं सब ठीक ठाक होवोगे, तंदुरुस्त होवोगे ते आपणे घरां दे विच राजी वाजी होवोगे। ते रब अगे ये अरदास करदे हां कि तुसीं सब तंदुरुस्त रहो, आपणी जिंदगी विच खुश रहो जी। लो जी, सवेर दा टाइम है तां आपां ब्लॉग दी कर लईए शुरुआत। ते बाहरले विहड़े दी मैं कर रही हाँ सफाई, ते अज धुंद बहुत ज़्यादा आ तो मैंने थोड़ा जहा फिक्र जहा भी हो गया, क्योंकि मनवीर स्कूल जाने की तैयारी कर रहा है। तो मैं क्या इन्नी धुंद है, तो अज इन्हों थोड़ा जहा छेती बुलाया सी, क्योंकि इन्हों का प्रैक्टिकल एग्जाम सीगा इस करके। तो दूसरा ये है कि अज मैं आपकी एक भुल पर बहुत ही ज़्यादा पछतावा होया। इस तरह कि कल असी गए सी मंडी, पर मैं इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान नहीं सी कि मनवीर वास्ते कॉफ़ी है नहीं गी। मैनू ऐसी कि पाउच पे हुए आ, तो जदों सवेरे इसने मैनू कहा कि कॉफ़ी ख़त्म है, तो मैं क्या नहीं पाउच पे हुए, पर जदों देखी तो कॉफ़ी है ही नहीं सी, पाउच मैनू मिले ही नहीं गए। फिर मैंने कहा, मैं चलो चाह दे नाल ना ब्रैड खा जा, पर इनू चाह जिवें स्वाद ही नहीं लगतीगी, तो इसने चाह ना ब्रैड भी नहीं खाधे। तो मैनू ना बहुत ही ज़्यादा पछतावा हो गया भी इन्नी ठंड है और ये कुछ खाधे पीते बिना स्कूल जाऊगा। तो मैं इसनों थोड़ा जहा बोटल जहा धो के कॉफ़ी बनाती, वह भी इनू वधिया स्वाद जी नहीं लगी। तो मैं क्या भी मैं तो एड्डी वड्डी भुल किवें हो गई, मैनू ए लगता भी आप तो घर इन्ना कुछ खा लईदा आ, तो ये स्कूल च कुछ लैके भी नहीं जाता। नहीं कहिंदा मम्मी तुसीं फिक्र ना करो, मैं आपके फ्रेंड्स ना लंच शेयर कर लैंदा हुंदा आ। मैं क्या फिर भी वह भी किन्ना क लैके आते होने है ना, भी उन्हों दी मम्मियां भी किन्ना क भेज दिया होने, भी तुसी आप लैके जाया कर। बस इनू ए रहिंदा है, कहिंदा मैनू तो भुख ही नहीं लगती गी, तो मैनू बहुत एवें लगी जाता सीगा। मैं क्या हाए मैं पहला देख लेंदी भी पाउच पई है कि नहीं पएगी। प्लांट्स का भी बुरा हाल हो गया, देखो किवें पत्ते इन्हां दे काले जे होण लग गए। अजवैन किन्नी सोहनी हरी हरी हुंदी सी, ते ठंड ना कोरे नाल काली जी हो गई, बहुत ज़्यादा फर्क हो गया इन्हां दा। इधर ये भी किन्नी कालस जी जम गई इन्हां ते, ये भी पत्ते सुकन लग गए थोड़े थोड़े। ठंड ना प्लांट्स ते पूरा असर हो जाता, कोहरा पैंदा। फिर मैं जा रही सी पौड़ियों की सफाई करने वास्ते, रेता जहा काफ़ी आया पिया आ, प्लांट्स भी पानी पाने वाला होया पिया, हूँ जमा सुके जे पे आज इन्हें पानी भी पावे। पहले मैं इतने कर दी हाँ सफाई, धुंद उपर देखो छत तो कि लग रही बहुत ज़्यादा। जिन्होंने सवेरे सवेरे जॉब पर जाना जा जो बच्चे स्कूल जाते वैना जा बहुत औखा हो जाता उन्हों का, दूर तक कुछ नहीं दिख रहा। वाली टेंकी ना साड़ी दोहरी बनी हुई है, भी गर्मियों पानी फिर तत्ता नहीं रहा, गर्म नहीं रहा, ठंडा ही रहा। तो इस पास जो अपने आप रुख है ये चमचड़िका रही, तो दूसरे पास तोते रेंदे जो इतने बोलते रेंदे है, बहुत वधिया लगते। लो जी, हुण मैं दिखाउणी तुहानू शॉपिंग जिहड़ी कल करके लियांदी सीगी, ते जिहड़े कपड़े वाले सूट सीगे ओह तां मैं पा ही ले आ, तुसीं देख लए सी कल वाले ब्लॉग च। ते इह लियांदी आ जिहड़ी फ्लैक्सीबल रबड़ वाले शूज है, इह वाले असीं इहनां च डिजाइन बहुत सोहणे आउण लग गए। पहलां प्लेन ही आउंदे सीगे, ਇਹ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਰਸ਼ ਧੋਂਦੇ ਜਾਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਸਾਫ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਜੀ ਇੱਕ ਜੀ, ਇਹ ਵੁਲਨ ਵਾਲੀ ਕੁੜਤੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੈਗੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਛਿੱਜ ਗਈ ਹੁਣ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੈਲਵੈਟ ਦਾ ਪਲਾਜ਼ੋ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਲੋਕੋ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਵਾਲਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਕ ਵਾਲਾ ਸੀ ਵੁਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਰਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਨੇਵੀ ਬਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚਿੰਗ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਕਿਚਨ ਦੀ ਆ ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਿਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਸਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਫਰਾਈਪਨ ਦਾ ਹੈਂਡਲ, ਫਰਾਈਪਨ ਦੇ ਲਾਉਣਾ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਲਿਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜੀ ਐਮ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਪੋਚਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਇਹ
हूँ ये रात में ला दूंगी जो बिल्कुल पानी नहीं डुलूगा फिर वधिया सही बचूगा। यही सी जी शॉपिंग। तो जी हूँ सारा काम खत्म कर लिया सी फ्री हो गए सी तो अज मैं सिर ते ला ली मेहंदी तो सिर नहाना तो धुप भी बहुत वधिया निकली अज तो इधर मैं हूँ चले से गार्डन में साग तोड़ने वास्ते मम्मी कहते जोड़ा है उतो तोड़ लियो तो अच्छ बना के देख दें कि बनता है। चलो जी हम चलते हैं गार्डन में। आ कैंची ले लो कहने ठीक है दाती बढ़िया दाती बढ़िया। चलो तुम कट्टो मेथे तो मैं तोड़ दी साग साफ सफाई करने वाली अज तो चकोर की भी आवाज आ रही है धुप निकले किवें भी अज खुश पूरी धुप निकले आई बाल्टी चढ़ी बैठी है। चलो जी हम तोड़ते हैं साग इतना कट दोगे तो गंदला तोड़ ला देखते हैं किनिया क गंदला बन गई। चलो गुजारे जो बन जू कुछ थोड़ा जे बना के देखते ना अज के बनता जे बच्चे दूसरा पाया तो फिर पता नहीं लगना फिर गांह होर बीज तो लगा जो वधिया बनूगा तो इधर ये बोलते उधर उन्होंने बोलते हैं गल कर सौंफ तो थोड़े जे दिन किडे किडे हो गए ना बूटे हम वाहवा दिन हो गए इतने आए भी नहीं मैं देखे नहीं कई दिन हो गए जी साग तोड़ लिया तो हूँ आप तोड़ते हैं पाथू इतों अजे घर नहीं पैया पहला वाली क्यों पट्टियाँ दसो अच्छा थोड़ी मर्जी एवं बही हो जाए फिर आप ही तो कहते ना जो ताज़ी चीज़ उदो ही पट्टनी चाहिए फिर बहियाँ का की खाना। हाँ जी मेथी भी पावे मैं सिर ते मेहंदी ला के और पुरानी जी चुन्नी बन ली तो हम वधिया सुक गई है तो हम नहाने जाके सिर साग आप तोड़ लिया अज गाइया होर पट्ठे पट रहे हैं घरों गाइया पट्ठे पट रहे पालक सारा कुछ मिल रहा गाइया बीजा बजाई होगी नवी सब्जी बीजी तो नाल ही सी उस गोभी तो हो ही नहीं फिर साग का खलारा भी सही करिए उन्होंने चीरते हैं कटते हैं फिर धरते हैं बिल्ली ने नुकसान करता इन्हें अंडे तोड़ते शुक्र है तोड़ के गई कुछ खाते नहीं गए लौंदरा ना तोड़ के हूँ यदा बनाना पेगा आमलेट या भुर्जी ऐसे बन रहा से अच्छे साग साग तो बनूगा ही शुक्र है भी लौंदरा जी मारिया सी हजे जन मैं पहुँच गई पता लग गया नहीं तो इन्हें छे सत्त अंडे खराब कर देने से खा जाने से गेट कितने खुला रह गया हूँ मैं इन्होंने चक के रूम च रख के आनी है क्योंकि गेट थोड़ा जहा खराब है तो खुला रह जाता कई बार तो इन्हें बिल्ली बढ़ गई अगे भी एक बार किया नुकसान इन्हें। तो जी अज इधर साफ सफाई हो रही है धुप निकल गई तो काम भी हो गया शुरू गार्डन अद्धा साफ करता तो बीजा बजाई होगी पट के पाते पशु चल कोई ना तो खड़ी रहन दो ये लग ही जाए हूँ इतने लगन गए सब्जी बी नवे देख लिया के बी कल भुल गए लियाने ना अच्छा वैसे तो मिलती है वो वाली मिली है ना लो भी इसको प्राइज मिला ड्राइंग के लिए
बहुत अच्छी बात है, मेरे को तेरी ड्राइंग बहुत पसंद थी। इस बेटी नु मिले है प्राइज। नेक्स्ट ड्राइंग वास्ते ना कलर्स किट मिली है नु, ते सर्टिफिकेट मिले है, ड्राइंग फर्स्ट आई है ना। कांग्रेचुलेशन बेटा, बढ़िया है। बस इसको छोड़ना नहीं, करते रहना है। ये वाली ड्राइंग थी ना तेरी, अच्छी ड्राइंग थी ये, बस मेरे को बना के दे के गई है, बहुत बढ़िया है। यार यार क्योंकि धुप लगी, कपड़े वगैरह भी सारे सुक गए, तो धुप सिक के मन भी सुकून जहा काफ़ी मिले, सारे बड़े खुश जो हुए, धुप आ गई है। तो थोड़ा भी आशा करती हूँ वधिया ही रहा होगा। चलो जी अज का ब्लॉग आप इस कर देने एंड, मिलते हैं नैक्सट ब्लॉग में। सारे सत श्री अकाल जी।